देखिए जैसे ही मौसम सरमा शुरू होता है कश्मीर में, आचार का सीज़न कश्मीर में चालू हो जाता है। कश्मीर में इस वक्त जो आचार हर घर में मौजूद होता है, हर जगह आप अगर देखो, देखा जाए, अगर आप हर किसी भी यहाँ मतलब कश्मीर में किसी भी जगह आप जाओगे, किसी भी घर में आप जाओगे, तो हर घर में आचार मौजूद होगा। आचार और दाल, ये इस टाइप यहाँ कश्मीर का फेवरेट डिश होता है। आचार देखिए, एक तो बनता है, एक तो ये लिट्टू, ये जो साग का वगैरह बनाता है उसमें नदरू, दूसरा वाला आता है नदरू मिक्स आचार। मिक्स आचार जो है वो उसमें मतलब नदरू, गाजर, गाजर होता है, बीट रूट, चुकंदर। तो कश्मीर में जो स्पेशली जो आचार बनाया जाता है वो साग का ही होता है। उसमें साग, नदरू वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पहले प्रिपेयर करने के लिए हमें उसको काट मतलब सितंबर अक्टूबर में ही उसको मतलब वो जो मटका बना हुआ मटका होता है उसमें भरना पड़ता है। तो करीबन उसका जो प्रोसेस होता है वो एक महीने तक उसको बंद रखना पड़ता है, क्योंकि कश्मीर में जैसे ही मौसम सरमा शुरू, उसको देखिए ये जो उसका हार्वेस्ट करना पड़ता है जो साग, क्योंकि उसको ये कच्चा वाला साग तो नहीं लगता है, जो मार्केट में जो साग होता है वो आचार में बिल्कुल ही इस्तेमाल है। उसके लिए एक स्पेशल साग जो आचार के लिए रखा जाता है को अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट करने के बाद उसको स्पेशली और आचार उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसको काटने के बाद उसको धूप में सुखाया जाता है, बॉयल करके धूप में सुखाना पड़ता है। उसके बाद स्पेशली स्पाइसेस होता है उसमें, कश्मीरी मिर्ची होती है, कश्मीरी कोरिएंडर, कश्मीरी लहसुन और भी कहते हैं आसूर वगैरह, बहुत सारे स्पाइसेस हैं स्पेशली वो आचार के लिए मखसूस होते हैं। अगर हम बात करें उसे खाने की, तो अगर अक्टूबर में भरा जाए या नवंबर में भरा जाए तो हम उसको 15 दिन में खा सकते, क्योंकि ये बेसिकली टेम्परेचर जितना नीचे हो जाता है तो आचार जो है वो जल्दी जल्दी तैयार नहीं हो जाता है। ये करीबन ये मतलब अक्टूबर नवंबर में अच्छी तरह से बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है और 15-20 दिन में ये इस्तेमाल किया जाता है। कितनी जब तक उसके मसाले जो उसमें अच्छी तरह से नहीं मिक्स नहीं हो जाते तब तक नहीं, और आयर जो है आयर टाइट कंटेनर में रखा जाए। उसके लिए कश्मीरी जो है स्पेशली उसके लिए जो मटका बना हुआ होता है मटका वो इस्तेमाल करते हैं, उससे बढ़िया आचार निकलता है। तो जी हाँ, जो वो ज़्यादातर तो लोगों के घर में ही होता है, मगर स्पेशली मार्केट के लिए भी होता है। मार्केट के लिए हम नदरू वाला भी लाते हैं, उसमें नदरू होता है, उसमें गाजर होता है, उसमें बीट रूट होता है, उसमें बहुत सारे मिक्स आचार मार्केट में जो चलता है मिक्स आचार। मगर घर वाला आचार मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, अगर आप, मेरे पास है अवेलेबल, अगर आप चाहोगे तो।